डिप्टी सीएम दिया कुमारी श्रीकरणपुर में जनसभा को संबोधित कर रही हैं, आपको सुनाते हैं। ना वो आपको पानी पिलाना चाहते हैं, ना वो आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, और ना आपकी जो खेतों में पानी की समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं। पूरे भारत में अभी विकसित भारत की यात्रा चल रही है। मुझे लगता है गंगानगर में अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होगी। उस पूरी यात्रा में आप लोगों को हर योजना का लाभ मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिससे आपको निजात नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार, मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, क्या आपने कोई काम किए? क्या आप लोगों के किसानों के कर्ज माफ किए? नहीं किए। हम सब जानते हैं हमारे युवाओं के साथ क्या हुआ। रीट की परीक्षाएं 19 बार पेपर लीक हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार राजस्थान ने कभी नहीं देखा। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप सबको मिलकर आज आपको संकल्प लेना है कि सबको मिलकर हमारे सुरेंद्र सिंह जी को पूर्ण रूप से जिताना है, क्योंकि ये आपके काम करेंगे कड़ी के रूप में राजस्थान सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ हर योजना का लाभ आप तक पहुंचाएंगे, आपके सारे विकास के काम। ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो ये नहीं करेंगे। आपके दुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं। और जहां तक आप लोगों की हक की बात, मेरी माताएं बहनों, आप सोचिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया। ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री नहीं बनी है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ये राजस्थान की हर एक महिला, राजस्थान की एक एक बेटी उप मुख्यमंत्री बनी है। ये जो उन्होंने मुझे पद दिया है ना, ये सिर्फ मुझे नहीं दिया है, ये आप लोगों को दिया है। और इसलिए दिया है कि राजस्थान की एक एक बहन बेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर इतना विश्वास जताया, भरपूर वोटिंग की आप लोगों ने, राजस्थान सरकार बनाने में इतना बड़ा आप लोगों का योगदान, इतने ज्यादा वोटों से। आप अगर देखेंगे हर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो माताएं बहनों ने की है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मुझे विश्वास है कि आज इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ठंड में, मैं तो जयपुर से आ रही हूं, अभी मेरे 3 घंटे नहीं हुए हैं और मुझे जुकाम लग गए, लेकिन आप लोग यहां घंटों से बैठे, क्यों बैठे? वो इसलिए बैठे हैं मुझे देखने नहीं, इनके लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनको अपना समर्थन देने के लिए। और हमारे मोदी जी पर, जो कि आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं कमल के फूल के लिए, आप लोग यहाँ आए हैं कमल को करणपुर में खिलाने के लिए। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 5 तारीख को मतदान है, वोटिंग है, आप सब लोग अपने हाथ खड़े करें, मुट्ठी बंद करें और मुझे विश्वास दिलाए, मंच को विश्वास दिलाए कि आप सुरेंद्र जी को फुल वोटिंग करेंगे और विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।